उत्तराखंड पहुंचा एक विदेशी परिवार राम का नाम जपने लगा और इसे देखते हुए सैकड़ों लोग अचंभित भी हो गए। दरअसल पूरा मामला था उत्तरवाहिनी शिप्रा नदी के तट पर गर्म पानी, जो कि हल्द्वानी से कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हनुमान मंदिर में विधि विधान व पूजा अर्चना के साथ अखंड रामायण पाठ का श्री गणेश हुआ। यहाँ पर कसार देवी अल्मोड़ा से पहुंची विदेशी परिवार ने भी काफी देर तक भजन कीर्तन कर भगवान राम का नाम जपा, शांत वातावरण में ध्यान लगाया। आसपास के सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जो विदेशी परिवार की भगवान राम के प्रति आस्था देखकर अभिभूत हो गए। बता दें, गर्म पानी स्थित उत्तरवाहिनी शिप्रा नदी के तट पर हनुमान मंदिर में धर्माचार्य नितेश उपरेदी ने यजमान मनीष तिवारी व ज्योति तिवारी से धार्मिक अनुष्ठान पूरे कराए। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अखंड रामायण पाठ का श्री गणेश हुआ। हल्द्वानी से पहुंची भजन मंडली ने शानदार भजनों की प्रस्तुति ने समा बांधा। भगवान राम के जयकारों से समूचा माहौल राममय हो उठा और श्रद्धालु के दल ने मंदिर में पहुंचकर भगवान राम के नाम का घंटों जप किया, बाद में ध्यान भी लगाया। विदेशी श्रद्धालु को मंदिर का शांत वातावरण बेहद पसंद आया। कार्यक्रम में कई गांव के सैकड़ों लोग श्रद्धालु भी मंदिर में पहुंचे थे। तो भगवान राम की महिमा किसी से नहीं छिपी है। देश हो विदेश हो, हर जगह उनके भक्त मौजूद हैं और हर कोना भगवान राम के जयकारों से गूंज उठता है।